यूपी के शामली में बुजुर्ग की हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, जायदाद की दुश्मनी में हत्या का शक। यूपी के बहराइच में होटल में एक व्यक्ति का शव, गोली मारकर हत्या का शक। यूपी के फर्रुखाबाद में मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश गिरफ्तार, पैर में लगी 3 गोलियां। यूपी के हाथरस में शादी से लौट रहे परिवार के साथ लूटपाट, बाइक सवार बदमाशों ने कैश और गहने लूटे। अयोध्या में भगवान राम को दी गई शीतलता, गर्मी से बचाने के लिए कनक भवन को फूलों से सजाया गया, हनुमानगढ़ी में भी फूल बंगले का आयोजन। यूपी के रायबरेली में ट्रक लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 12 लुटेरे गिरफ्तार, 6 ट्रक समेत मोबाइल और कैश भी बरामद। झारखंड के बोकारो में ठेकेदार से 6.5 लाख की लूट, कैश से भरा बैग छीनकर भागे बदमाश। बिहार के पूर्णिया से अगवा बच्ची पश्चिम बंगाल से बरामद, पुलिस के डर से बच्ची को चाय की दुकान पर छोड़कर भागे बदमाश। एंग्री हनुमान की पेंटिंग से चर्चा का विषय बने हैदराबाद के आर्टिस्ट करण आचार्य, पीएम मोदी ने भी तारीफ की। झारखंड के जमशेदपुर में व्यापारी की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पति ने पत्नी की हत्या की, चरित्र पर शक को लेकर कुल्हाड़ी से काटा। पटना में भारी मात्रा में शराब जब्त, दूध के कंटेनर में लाई जा रही थी शराब। ग्वालियर में टोल बूथ के मैनेजर से 24 लाख की लूट, विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मारी। नालंदा के हेगनपुरा गांव में लोगों ने नशे की पेश की मिसाल, चंदा जमा कर खुद ही बनाई 2 किलोमीटर सड़क। मध्य प्रदेश के जबलपुर में घर में घुसकर डकैती, करीब 80 लाख की ज्वेलरी लूटकर फरार हुए बदमाश। हिमाचल प्रदेश के मंडी में कुछ दिन पहले पकड़ी गई जाली नोटों के मामले में बड़ी कार्रवाई, दिल्ली और गुरुग्राम से 2 लड़के गिरफ्तार। राजस्थान के नीमराणा में मंचले की पिटाई, लड़की से छेड़खानी के बाद लोगों ने पीटा। यूपी के बागपत में दबंगों ने 2 दलित लड़कों को पीटा, 1 की अस्पताल में मौत, गांव की लड़की भगाने का आरोप।